ये सारी जो भूमिका हमने बांधी अभी और ये सारी जो आपको तस्वीरें दिखाई, ये आपको ये बताने के लिए दिखाई कि हमारे देश के जो लोग हैं, हमारी जो एक के बाद एक पीढ़ियां आई, वो भगवान राम को, रावण को, सीता को, लक्ष्मण को, हनुमान जी को एक खास किरदार में और एक खास तस्वीर के साथ आइडेंटिफाई करती हैं। उनके मन में उनका वही रूप बसा हुआ है और वो जो रूप है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता चला जा रहा है और हम उस रूप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हम उस रूप में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते, हमें वही रूप स्वीकार है। और उस रूप को जब कोई क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उसमें कुछ छेड़छाड़ करता है तो ये भारत की संस्कृति में विश्वास करने वाले, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को स्वीकार्य नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये फिल्म रामायण पर तो आधारित है जो अभी नई आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस फिल्म को बनाने वाली टीम ने धर्म निरपेक्ष दिखने के लिए, मॉडर्न दिखने के लिए क्रिएटिव फ्रीडम का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि रावण को एक क्रूर मुस्लिम बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जैसा बना दिया और भगवान श्री राम और हनुमान जी के रंग रूप से भी उन्होंने छेड़छाड़ की। हालांकि आज इस विषय की बारीकियों को समझने के लिए हमने हमारे देश के कुछ स्कॉलर्स, विद्वानों और एक्सपर्ट से बात की है और इन सब की क्या राय है ये आज आप सबको सुनना चाहिए। रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयो अधीरा। रावण इस प्रकार से स्वर्ण रथ पर विभूषित होकर के भगवान श्री राम से युद्ध करने आता है और तब भगवान के उस रथ को देख करके विभीषण कहते हैं कि देखो भगवान तो आप नीचे हैं और ये रथ पर सवार होकर के आया है, दिव्य रथ और दिव्य पुरुष के रूप में चमक रहा है। हनुमान जी महाराज जिस प्रकार से उनका आप वर्णन आता है कि भगवान के परम भक्त हैं, कंचन बरन विराज सुवेशा और स्वर्ण शैला भदेहम कह करके उनका विचार किया गया, कनक भूधरा कार शरीरा, जिस प्रकार से तेज बल ज्ञान बुद्धि विवेक एक साथ एक पुंज के रूप में किसी में स्थापित होता है तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। सनातन धर्म के देवी देवताओं को अपमानित करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए यह सब काम कर रहे हैं। रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, वह काल्पनिक नहीं है। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ये बाकी धर्मों पर तो फिल्म नहीं बनाते, इन्होंने बाकी धर्मों के देवताओं को देखा है क्या? ये इस्लाम के खलीफाओं पर फिल्म बना सकते हैं, इनकी हैसियत? और ये केवल सनातन धर्म के लोगों को जिस तरह से अपमानित इन्होंने किया, जिस तरह से हनुमान जी का चित्रण किया है उससे घोर आपत्ति है इस देश के हर एक व्यक्ति को। आपको यहां दो बातें समझनी चाहिए। पहली बात यह कि आज क्रिएटिव फ्रीडम और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं को जिस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है या दिखाया जा रहा है, या कॉमेडी के नाम पर जिस तरह से हिंदू धर्म की मान्यताओं का खुलकर मजाक बनाया जाता है, वैसी कोशिश कभी भी दूसरे धर्मों को लेकर कभी नहीं होती। आप याद करके देख लीजिए, आज आपको ऐसी सैकड़ों फिल्में मिल जाएंगी जिनमें हिंदू देवी देवताओं को विवादित रूप में दिखाया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है, लेकिन आपको एक भी फिल्म ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब को दिखाया गया हो या उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी भी की गई हो। सच्चाई यह है कि इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब का चित्र तक बनाने की इजाजत नहीं है और ना ही कभी किसी ने बनाया, और इसके पीछे इस्लामिक विद्वान ये वजह बताते हैं क्योंकि अल्लाह ने ही धरती और स्वर्ग को जन्म दिया है, उसका निर्माण किया है, इसलिए उन्हें इंसानी रूप में दिखाया नहीं जा सकता और उन्हें किसी एक इंसान की तस्वीर में कैद नहीं किया जा सकता। और हमारे देश के तमाम कलाकार, हमारे देश के तमाम फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक, लेखक, कॉमेडियन, एक्टर, सब लोग इस बात का पूरा ध्यान भी रखते हैं और इस बात का पूरा सम्मान भी करते हैं और उन्हें करना भी चाहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई विरोध नहीं है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब बात आती है हिंदू धर्म की तो इस दौरान हिंदू समुदाय की भावनाओं का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। आपको याद होगा वर्ष 2015 में जब फ्रांस की एक मशहूर मैगजीन चार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ विवादित कार्टून्स प्रकाशित कर दिए थे तो आतंकवादियों ने इस मैगजीन के दफ्तर में घुसकर 12 लोगों की खुलेआम हत्या कर दी थी। इसके अलावा वर्ष 2020 में जब फ्रांस के ही एक टीचर ने इन कार्टून्स को अपनी क्लास में कुछ बच्चों को दिखा दिया था तो उस अध्यापक का सिर तन से जुदा कर दिया गया था।
और भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के बारे में आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में 12 अगस्त को उन पर न्यूयॉर्क में सिर्फ इसलिए हमला हुआ क्योंकि उन्होंने 34 वर्ष पहले एक अपनी किताब में जब उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस, उसमें एक ऐसे किरदार की कल्पना की थी जिसका नाम मोहम्मद था और यह किरदार सपने देखता था और इस दौरान इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठाता था। यह किताब सलमान रश्दी ने वर्ष 1988 में लिखी थी जिसके बाद ईरान में उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ लेकिन उन पर हमला हुआ 34 साल के बाद, यानी जब जब पैगंबर मोहम्मद साहब को चित्रित किया गया है या उन पर कोई टिप्पणी की गई है तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमले किए हैं और जिसने भी ये काम किया है उसे उन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे उसे उस पर हमला करने में उन्हें 30, 40, 50 साल ही क्यों ना लग जाए। अभी हाल ही में आपने नुपुर शर्मा के मामले में भी देखा होगा कि उसमें भी ये बात सही है कि आपत्तिजनक टिप्पणी थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन किस तरह से तन सिर तन से जुदा होने लगे हमारे देश में वो आपने देखा होगा। वर्ष 1960 से 2016 के बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम 30 फिल्में ऐसी बनी जिनमें किसी ना किसी रूप में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ या पौराणिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ हुई। लेकिन आप खुद सोचिए, कभी हिंदू समुदाय ने ऐसी असहनशीलता नहीं दिखाई या किसी पर ऐसा जानलेवा हमला कभी नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि हिंदू धर्म में रावण को बुराई का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। हजारों वर्ष से हमारी अलग अलग पीढ़ियां रावण को बुराई का प्रतीक मानती चली आ रही है और एक समाज के तौर पर हमने रावण को कभी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए हमारे देश में किसी का नाम रावण नहीं रखा जाता, इसीलिए हम हर साल दशहरे पर रावण दहन करते हैं। हर साल रावण दहन के समय हम यही कहते हैं, यही याद दिलाते हैं लोगों को कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत है और बुराई का चेहरा हमारे देश में हमारे समाज में रावण को माना जाता है। लेकिन इस विवाद के बाद अब ऐसा लगता है कि रावण ने जो बुराई की जो लकीर खींची थी, आज कुछ लोगों ने उस लकीर को भी लांग दिया है, जो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए बुराई की, उस लक्ष्मण रेखा को भी पार कर दिया है, जिसकी वजह से हमें आज रावण की बुराई भी कम लग रही है। आज आपने देखा होगा लोग रावण को डिफेंड कर रहे हैं, रावण का बचाव कर रहे हैं, और आज जब रावण का दहन किया जाता है तब बहुत सारे लोग रावण का ही बचाव कर रहे हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लोगों ने रावण की बुराइयों को स्वीकार कर लिया है, बल्कि सच यह है कि आज लोग हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों में कोई छेड़छाड़ और मिलावट नहीं चाहते। आज हिंदू समुदाय के लोग रावण को न तो किसी मुस्लिम बादशाह के रूप में देखना चाहते हैं और ना ही उन्हें रावण का कोई नया मॉडर्न हाइब्रिड वर्जन देखना है, बल्कि लोग आज भी रावण को सिर्फ रावण के रूप में ही देखना चाहते हैं, उसी छवि में देखना चाहते हैं जो उनके मन में बसी हुई है। हालांकि यह भी विडंबना है कि हमारे देश में खास विचारधारा के जो लोग हैं वो नए संसद भवन पर लगे अशोक स्तंभ का भी ये कहते हुए विरोध कर रहे थे कि ये अपने मूल रूप में नहीं है और इसमें जो शेर हैं शेरों को ज्यादा आक्रामक दिखाया गया है। आज वही लोग इस फिल्म में रामायण से की गई छेड़छाड़ को सही बता रहे हैं और इस पर चुप बैठे हैं, वो इस क्रिएटिव फ्रीडम का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं जिन लोगों ने जब इन शेरों के बारे में आपत्ति जताई थी आज वो सारे लोग कहां छुप कर बैठे हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले इसी तरह की छेड़छाड़ हनुमान जी के चित्र से भी हुई थी जिसमें उन्हें एक रौद्र रूप में दिखाया गया था और ये जो पोस्टर है हनुमान जी का ये बड़ा सुपरहिट हुआ था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने इसे बड़ा सराहा था और इसे अप्रिशिएट किया था। इसमें रौद्र रूप दिखाई दे रहा है हनुमान जी का और ये जो पोस्टर है हनुमान जी का ये आपने अक्सर गाड़ियों पर देखा होगा या दूसरी जगहों पर भी आपने देखा होगा। उस समय जब इस पर हिंदू धर्म के लोगों ने आपत्ति जताई तो हमारे देश के वो लोग जो आज इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं वो कहां हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें हनुमान जी का ये पोस्टर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी को इतने गुस्से में कैसे दिखा सकते हैं, ये जो है ये हिंदू धर्म का एक रौद्र रूप है। लेकिन वही लोग आज इस फिल्म के पोस्टर पर चुप बैठे हैं। इसलिए आज इन लोगों का असली चेहरा भी आपको पहचानना चाहिए।